हिंद। नमस्कार दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल ईसाई को लेकर एक बड़ी अपडेट आप सबके सामने यहाँ पे निकल के आ रही है। तो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। बहुत सारे बच्चे लगातार एक चीज़ को लेकर परेशान हो रहे थे कि आखिर आरपीएफ कांस्टेबल ईसाई के एग्ज़ाम कब से शुरू हो रहे हैं और इसकी वैकेंसी कितनी बढ़ने वाली है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बाकी की जानकारी मैं आप सबको इस वीडियो में देता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूँ, वैकेंसी आप सबकी 4660 वैकेंसी निकल के आई हुई थी। इसमें कांस्टेबल एसआई दोनों सम्मिलित हैं। अगर ये वैकेंसी बढ़ने को लेकर बात की जाए तो वैकेंसी बढ़कर कम से कम यहाँ पे 15,000 वैकेंसी ये होने वाली है। ये वैकेंसी कब बढ़ेगी? जब आप सभी का इस भर्ती का फॉर्म स्टेटस यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद ये वैकेंसी यहाँ पर बढ़ के इनक्रीज हो जाएगी। तो इसको लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि जिस प्रकार से रेलवे में काफ़ी सारी वैकेंसीज को इनक्रीज़ किया गया, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी को भी इसी प्रकार से इनक्रीज किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम डेट को लेकर भी बच्चे लगातार यहाँ पर परेशान हैं। आखिर इसके एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, सारी चीज़ों पर हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी करने के लिए आप सब जीके जीएस मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर पढ़ सकते हैं। यह क्वेश्चन आप सबको सिलेक्शन यहां पे दिला सकते हैं, क्योंकि ये जीएस के क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो रेलवे में जिस प्रकार से जीएस आते हैं उसी प्रकार से इस पीडीएफ को यहाँ पर तैयार किया गया है। सेम उसी क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। मैथ और रीजनिंग के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को लेकर पढ़ते हैं तो आप सभी अपना आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में एक सीट पक्का कर सकते हैं और आगे आने वाले आगामी रिजल्ट में आप सभी 100% सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप सभी को कुल यहाँ पे 4000 प्रश्नों को संग्रह मिलने वाले हैं। प्रश्न उत्तर आप सभी को दोनों मिल जाएंगे और पिछले साल के भी कुछ क्वेश्चन इन्हीं 4000 में आपका रहने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाला है 89 रुपीज़ में। अगर आप यहाँ पर आज 89 और 90 रुपये ललचना करते हुए इन पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं तो आप सभी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सएप नंबर भेज देना। यह एक व्हाट्सएप नंबर, इसी पर आप सभी को पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। टीम आपसे संपर्क करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी। और बहुत सारे बच्चों ने आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी करने वाले बच्चों ने इसे लेकर पढ़ा है, अब आपकी बारी है, क्योंकि इसके एग्जाम में बहुत ही कम समय है। अगर आप इसे लेकर पढ़ते हैं जीएस और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, तो आप सभी आगामी परीक्षा में अपना आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में सिलेक्शन पा सकते हैं, अपनी एक सीट यहाँ पर पक्की कर सकते हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएगा, 120 नंबर के यहाँ पे रहने वाले हैं, 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। और आपको बता दें, यहाँ पे आपको 90 मिनट के अंदर क्वेश्चन यहाँ पे हल करने पड़ेंगे। और ये जो 120 क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस प्रकार से आने वाला है, देखिए मेरी बात आप सभी ध्यान सुनिएगा। 35 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे मैथ रहने वाले हैं और 35 क्वेश्चन ही आप सभी के यहाँ पे रीजनिंग भी रहने वाला है और 50 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे जीएस से रहने वाले हैं। तो बहुत सारी बड़ी बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही है कि जब निगेटिव मार्किंग 1/3 का है तो तुक्का भी नहीं लगा सकते, और तुक्का नहीं लगा सकते इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं देखा जाए कट ऑफ इसका कम देखने को आप सभी को मिल जाएगा। हम आपको बहुत दिन पहले से बता रहे हैं, यहाँ पे 85 प्लस अगर आप सभी स्कोर करते हैं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं, क्योंकि इसका फिजिकल भी यहाँ पे हार्ड होता है और एग्जाम में 50 क्वेश्चन सिर्फ आप सभी के जीएस से ही आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेपर आप सभी का हार्ड बनता है रेलवे में, और निगेटिव मार्किंग भी हार्ड रहता है, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ जो है कम देखने को मिल सकता है और वैकेंसी भी आप सबकी यहाँ पे बढ़ेगी। तो कहीं ऐसा ना हो जाएगा आप सभी कम वैकेंसी देकर अपनी तैयारी ना कर रहे हों, और कहीं अगर आगे चल के वैकेंसी बढ़ गई और आप सबको लगेगा कि अगर हम पहले तैयारी कर ली होते तो हमारा भी सिलेक्शन इसमें हो जाता। तो आपको बिना गलती किए हुए, बिना देरी किए हुए 89 की पीडीएफ लेना है और आज से ही पढ़ाई शुरू कर देनी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए आगामी भर्ती में। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें कि हर एक सिलेबस और टॉपिक को उसमें कवर किया गया है, जिससे आप सभी आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई करके और आप 1% फोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें एग्जाम को लेकर, क्योंकि एग्जाम से पहले आप सभी का फॉर्म स्टेटस जारी होगा और फॉर्म स्टेटस में बहुत सारे बच्चों का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होगा। कम से कम बात करें तो लाखों की संख्या में आप सभी के फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होगा अगर आपने फोटो में गलती की है, अगर आपने सिग्नेचर में आप लोग गलती की है, तो इन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बाकी कोई भी कारण से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा, आप सभी को भर्ती देखने का मौका जरूर मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट को लेकर। देखिए, आपको बता दें, आपका एग्जाम जो है वो यहाँ पे अक्टूबर के महीने में होने की संभावना है। अगर आप अक्टूबर के महीने को टारगेट लेकर अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप आगामी परीक्षा को भी क्वालिफाई कर सकते हैं और 89 की पीडीएफ लेकर आप सभी अपनी भारी मदद पा सकते हैं सिर्फ 89 की पीडीएफ लेकर। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सबका एग्जाम डेट आ जाए
आप तैयार न रहें और रिटर्निंग की पीडीएफ भी न लिए रहें तो आप सभी का क्या होने वाला है। तो आप तैयारी अभी शुरू कर दीजिए, क्योंकि तैयारी करेंगे तभी आप सिलेक्शन पाएंगे, नहीं तो आप सभी बाकी एग्जाम में देखे होंगे बिना तैयारी का आप सबका पीडीएफ में रोल नंबर भी नहीं मिला होगा आपको, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, तैयारी आपको अभी शुरू कर देना है। अक्टूबर के महीने में एग्जाम का टारगेट लेकर अगर आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छी खासी तैयारी अपना बना पाएंगे और सिलेक्शन भी पा जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक थी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।